एवरीवन वेलकम टू कान तो आज हमारी प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो ठीक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमाइल दुरखेम को तो ये थिंकर जो है ये भी एक रैपिड रिवीजन वीडियो होगा क्योंकि डिटेल में दुर्खेम जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो वो आपको मेरी नितिन सांगवान सर की प्ले लिस्ट पर या यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्ले लिस्ट पर भी वो वीडियोज मैं अटैच कर लूंगी तो ये वीडियो से पहले अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं वो वीडियोज़ देखें और उस प्ले लिस्ट में आपको सोशोलॉजी के बेसिक स्टार्टिंग के वीडियोज़ जिसमें इसके स्कूल्स ऑफ थॉट थोड़े और इमरजेंसी वगैरह सोशलॉजी का डिस्कस हुआ है तो आज हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिविजिट करेंगे ठीक है यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स देखेंगे ऑलरेडी क्योंकि कल जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो डिलीट हो गई है ठीक है ये कमेंट्स प्रीवियस वीडियो के हैं यहाँ पे तो आज हम नए से स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो दुरखेम ये फाउंडर स्कॉलर है फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन इन सोशोलॉजी के ये फाउंडिंग फादर्स में माने जाते हैं इसीलिए इनको क्लासिकल सोशलॉजिकल थियोरिस्ट बोला जाता है दुर्खेम को फाउंडिंग फादर्स में इनका भी नाम आता है फंक्शनल स्टडिशन अभी तक आपको पता चल गया होगा अगर आप रैपिड रिविजन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि फंक्शनल स्टडिशन क्या कहता था कि सोसाइटी जो है अलग अलग पार्ट्स uh, से कॉन्स्टिट्यूट होती है और ये जो पार्ट्स है ये इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं और ये इकट्ठे काम करते हैं कॉर्डिनेशन में जो मेन्टेन करते है स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एज अ होल ठीक है जो इमायल दुर्खेम थे फॉलो करते थे डार्विनियन प्रिंसिपल डार्विन ने हमें कौन सा प्रिंसिपल दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का इन्होंने इसी एनालॉजी को ड्रॉ किया था सोसाइटी के टर्म्स में कि सोसाइटी इवॉल्व होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अब जो सोसाइटीज इसको टॉलरेट कर पाए जो कम्युनिटीज इसको टॉलरेट कर पाए सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाने को वो सर्वाइव करती हैं ये वाला पॉइंट भी एंड ंडली आप ये भी देख सकते हो डार्विन ने ये भी बात की थी कि एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड होते हैं इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंटली वो काम करते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सोसाइटी में भी क्या होता है जो वेरियस पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और म्यूचुअल कॉपरेशन के चलते वो काम करते हैं तो डार्विन इन प्रिंसिपल ठीक है इंडिविजुअली सबोर्डिनेट टू सोसाइटी एंड इज ऑल्सो गवर्न बाय ये बात आपको दुर्खेम के लिए हमेशा याद रखनी है इन्होंने प्रेसिडेंस हमेशा सोसाइटी को दी थी कि जो इंडिविजुअल है वो सब ऑर्डिनेट है सोसाइटी का एंड सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट माइक्रोथ्यज इनकी थियोरीज को माइक्रो थ्योरीज बोला जाता है क्योंकि इन्हें माइक्रो चीजों पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने इनफैक्ट हमें कहा कि हमें सोसाइटी को लेना चाहिए एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस ना कि इंडिविजुअल को एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस ठीक है तो ये बात इन्होंने कही थी सोसाइटी हैज अ रियालिटी ऑफ इट्स ओन ओवर एंड अबो द इंडिविजुअल्स हु इट सोसाइटी इज सुई जेनरस इसका मतलब सोसाइटी की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है अपनी ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है सोसाइटी की एक बार फिर से याद दिला दो ये रिविजन सीरीज है हमारी ठीक है इन डिटेल वीडियो जो है वो इस प्ले लिस्ट में प्रेजेंट है इन्होंने डिफाइन किया सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी को एज सोशल फैक्ट तो सोशल फैक्ट किसका कांसेप्ट है इमाइल दुर्खीम का ठीक है तो इन्होंने सिर्फ बातें नहीं की इन्होंने बेसिकली हमें एक सब्जेक्ट मैटर भी दिया सोशोलॉजी का जिसको इन्होंने कहा सोशल फैक्ट कि हमें सोशोलॉजी को स्टडी देखो बेसिकली है तो जो फाउंडिंग फादर्स वो पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशन के थे पॉजिटिविज्म स्कूल को जो बिलोंग करते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें सोसाइटी को सोशोलॉजी को वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसे हम नेचुरल साइंसेस को स्टडी करते हैं दैट मीन्स हमें इनको ऑब्जेक्टिवली एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू जैसे सोशोलॉजिकल स्टडी में भी ठीक है तो उसके चलते उन्होंने हमें एक मेथोडोलॉजी भी दी थी, थी जिसको उन्होंने कहा था सोशल फैक्ट्स ये भी इन डिटेल वीडियो जो है मेरी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है मटीरियल भी होते हैं ये नॉन मटीरियल भी हो सकते हैं नॉन मटीरियल आपके लैंग्वेज मॉरल बिलीफ एंड मटीरियल आपके जो टैंजेबल होते हैं सोशल फैक्ट आपके इंस्टीट्यूशन वगैरह अब सोशल फैक्ट होता क्या है बेसिकली देखो सोशल फैक्ट इन्होंने कहा था सोसाइटी का कोई भी सोशल आइटम हो फॉर एग्जांपल रिलीजन हो गया या फैमिली हो गया उसको हमें ट्रीट करना चाहिए एज सोशल फैक्ट सोशल फैक्ट ट्रीट करने का क्या मतलब है उसको ट्रीट करो एज थिंग्स जब आप किसी चीज को एज थिंग्स ट्रीट करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव होगा ना कि सब्जेक्टिव देखो सोशोलॉजी में सब्जेक्टिविटी को हमें कम रखना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी को हाई रखना चाहिए सोशोलॉजिकल रिसर्च में सब्जेक्टिविटी होता है जब आपकी अपनी भी इन्वॉल्व हो किसी भी रिसर्च में कि आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो वहां पे आपकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है और जहां देखोगे तो वो होता है, हो. है वो एक्सटर्नल है तो यहाँ पे जो विल जैसे, है, जैसे है, वो खत्म हो जाते हैं सोशल फैक्ट शुड बी एबल टू पुट सर्टन वो आपको रेगुलेट करना चाहिए एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन्होंने कहा था सुसाइड जो है वो भी एक सोशल फैक्ट है रिलीजन जो है उसको भी ट्रीट करो एज सोशल फैक्ट जब आप ये सारी चीजें दिमाग में रखोगे आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिवली जो है वो स्टडी और रिसर्च उस पर कर पाओगे ये इनके कहने का मतलब था तो इन्होंने क्या हमें दिया था सब्जेक्ट मैटर सोशोलॉजी का सोशल फैक्ट्स ही स्टैब्लिश दी फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी इन यूरोप वहाँ के वो प्रोफेसर थे इसीलिए इनको एकेडमिक फादर ऑफ सोशलॉजी भी बोला जाता है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिवीजन ऑफ लेबर का ये भी से रिलेटेड है एक बड़ी एक्टिविटी को आप स्प्लिट करते हो वेरियस एक्टिविटीज में ठीक है आप उस लेबर को डिवाइड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते हो और आपको फाइनली क्या चाहिए एक सूट चाहिए आपको तैयार होके फाइन आप उस सूट के लिए कहीं से पहले कॉटन आएगा स्पिनिंग होती है ठीक है फिर कहीं पे उसकी प्रोसेसिंग होगी रॉ मटेरियल की फिर कहीं पे उसकी फिनिशिंग होगी और कहीं पे एक फाइनल टच दिया जाएगा जहां पे प्रिंटिंग वगैरह उस पर जो डिजाइन है वो होंगे फाइनल टच में तो एक काम को आपने स्प्लिट किया वेरियस एक्टिविटीज में इसको हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं या मोबाइल फोन की फैक्ट्रीज में देखो मोबाइल फोन आपको पता है ये असेंबल होके बनता है ठीक है एक मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं मोबाइल फोन आपको पता है कैसे बनता है ये असेंबल होके बनते हैं वेरियस पार्ट्स फाइन तो कहीं पे आपका स्क्रीन बन रहा है कहीं पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आईसी चिप्स वगैरह कहीं पे तैयार हो रही हैं तो वो सारा काम क्या हो रहा है अल्टीमेटली आपको क्या बनाना है एक मोबाइल फोन बनाना है अब आप उस काम को क्या कर रहे हो आप उसको स्प्लिट कर रहे हो वेरियस एक्टिविटीज में किसी डिपार्टमेंट को आप दे रहे हो स्क्रीन बनाने के लिए किसी डिपार्टमेंट को आप मोबाइल की बॉडी बनाने के लिए बोल रहे हो किसी डिपार्टमेंट को आप उसके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने को बोल रहे हो किसी को आप उनकी कोई आईसी वगैरह डेवलप करने को बोल रहे हो दैट मीन्स एक एक्टिविटी को आप स्प्लिट कर रहे हो इंटू नंबर ऑफ एक्टिविटीज वो आपका डिविजन ऑफ लेबर हुआ ठीक है तो इन्होंने डिविजन ऑफ लेबर को पॉजिटिव वे में देखा था और नेगेट किया था डिविजन ऑफ लेबर को नेगेटिव में उन थिंकर्स को जिन्होंने इसको नेगेटिव में देखा था वो किन्ने देखा था कार्ल मार्क्स ने इसको नेगेटिवली देखा था या इवन ऑगस्ट कॉम्टे ने जो कहा था फ्रांस सोसाइटी फ्रेंच सोसाइटी में जो मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं डिविजन ऑफ लेबर के चलते है ठीक है तो ये चीज इन्होंने नहीं मानी थी इन्होंने क्या कहा था कि डिविजन ऑफ लेबर जो है ये देखो जो पुरानी सोसाइटीज हैं सिंपल सोसाइटीज ठीक है थीके? वो सोसाइटीज में मिनिमल डिविजन ऑफ लेबर होगा क्योंकि छोटी सी सोसाइटीज है सिंपल सोसाइटीज तो वो सोसाइटीज में एक यूनिटी है सेम लाइकनेस है तो वहां पे सॉलिडारिटी उस सोसाइटी में प्रेजेंट होती है क्योंकि सारे जो है सेम एक्टिविटीज कर रहे हैं एक यूनिटी मेंटेन होगी ठीक है तो ये सोसाइटी में यूनिटी uh, किस वजह से होती है लाइकनेस की वजह से फिर इन्होंने कहा आहिस्ता हम किस में आ गए क्योंकि एवोल्यूशनरी मॉडल भी इन्होंने दिया था तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ हम जा रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज किससे मानी जाएंगी डिफ्रेंसिएशन से हर कोई अलग काम कर रहा है अब ऐसे चलते क्योंकि फंक्शनलिस्ट थे तो इनको तो सोसाइटी का फंक्शनल रूप लाना था ना तो डिफरेंसिएशन हो रही है लेकिन ऐसे चलते सोसाइटी को यूनाइट कौन करके रखेगा वो होगा डिविजन ऑफ लेबर वो कैसे अब आप काम कर रहे हो सारे अगेन हम मोबाइल की अगर एग्जाम्पल लें ये जो सारे डिपार्टमेंट्स है काम कर रहे हैं लेकिन क्या ऐसा हो सकता है सिर्फ स्क्रीन वाला डिपार्टमेंट काम करे और मोबाइल तैयार हो जाए नहीं दैट मीन अब ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के काम पे इंटरडिपेंडेंट है तो इंटीग्रेशन हो रही है सोसाइटी में क्योंकि आप एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो तो सोसाइटी इंटीग्रेट हो रही है तो अब जो यूनिटी आएगी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो कि हाईली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं वो यूनिटी आएगी डिविजन ऑफ लेबर की वजह से ठीक है अब सोसाइटी इंटीग्रेट हो जाएगी डिविजन ऑफ लेबर की वजह से क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर की वजह से सॉलिडारिटी आ गई है जो सोसाइटी दिखे है डिविजन ऑफ लेबर की वजह से इंटीग्रेट हो गई है इंटरडिपेंडेंट हो गई है ठीक तो है इसको इन्होंने दिखे। कहा था ये ग्राफ में आप समझ सकते हो ये सोसाइटी हो गई आपकी सिंपल ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो सॉलिडारिटी सिंपल सोसाइटीज में प्रेजेंट है उसको उन्होंने कहा था मैकेनिकल सोसाइटी तो पहली पुरानी सिंपल सोसाइटीज में क्या था ये आपका मैकेनिकल सॉलिडारिटी हाई थी जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई अब सॉलिडॅरिटी इन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी प्रेजेंट है वो सॉलिडारिटी आहिस्त बढ़ती गई ऑर्गेनिक सोलिडरिटी और ऑर्गेनिक सोलडारिटी किन में प्रेजेंट हुई कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में तो सॉलिडारिटी दोनों काइंड ऑफ सोसाइटीज में भी थी सिंपल सोसाइटीज में जो सॉलिडारिटी थी उसको मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोलते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में सॉलिडारिटी प्रेजेंट थी उसको हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बोलते हैं जो किसकी वजह से है डिविजन ऑफ लेबर की वजह से क्योंकि इंटीग्रेट करता है सोसाइटी को इंटरडिपेंडेंट बनाता है तो इन्होंने यहाँ पे और एक दो कॉन्सेप्ट से इन्होंने कहा था जो सिंपल सोसाइटीज हैं वहाँ की पॉपुलेशन भी कम थी और लोगों का इंटरेक्शन भी कम था अब आप बोलोगे इंटरेक्शन कैसे कम था पॉपुलेशन कम होगी पुरानी सोसाइटीज में तो लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते थे अब देखो पुरानी सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं थी सिंपल सी थी, थी एक विलेज के अंडर तो इंटरेक्शन हो रहा है लेकिन विलेज को ये नहीं पता होगा विलेज टू में क्या हो रहा है तो ये विलेज वन को ये नहीं पता होगा विलेज थ्री में क्या हो रहा है ये मोड ऑफ इंटरेक्शन इतना फ्रीक्वेंट नहीं था इतना डेवलप नहीं था लेकिन इस इंटरेक्शन को इन्होंने मॉरल डेंसिटी कहा और पॉपुलेशन को मटीरियल डेंसिटी तो पुरानी सोसाइटीज में मटेरियल डेंसिटी भी लो थी एंड मॉरल डेंसिटी भी जैसे हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ आ गए मटेरियल डेंसिटी भी बढ़ गई और भी बढ़ गई ट्रांजिशन हुआ और इन दो को क्लब करके इन्होंने एक टर्म दिए डायनामिक डेंसिटी दैट मीनस अब डायनामिक डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो गई किसमें कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में, में। क्योंकि इंटरेक्शन डेवलप हो गया अब आप यहां बैठे हो फॉर पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही करंट सोसाइटीज में अब आप यहां बैठे हो आपको पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है पूरे एंटायर ग्लोब की इंफॉर्मेशन आपके पास है आपका कोई कजन फॉरेन के किसी भी कोने में हो व्हाट्सएप कॉल में विद इन सेकेंड्स आपका जो उसके साथ कनेक्शन है वो डेवलप हो जाएगा तो इंटरेक्शन जो है वो हाई हो गया डेंसिटी इंटरेक्शन कहा वो भी बढ़ गया और मटीरियल डेंसिटी भी बढ़ गई इसको क्लब करके एक टर्म दिया डेंसिटी अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारा मटीरियल uh, uh, पुरानी सोसाइटी से नई सोसाइटी में वो किस वजह से हो रहा है क्योंकि डायनेमिक डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है मटेरियल डेंसिटी भी बढ़ गई है और मॉरल डेंसिटी भी बढ़ गई है अब ऐसी सोसाइटीज में सॉलिडारिटी कैसे मेंटेन रहेगी आपकी डिवीजन ऑफ लेबर से देखो मैकेनिकल सॉलिडारिटी बेस्ड सोसाइटी एंड ऑर्गेनिक सोलडारिटी बेस्ड सोसाइटी इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं इसमें डिफ्रेंसिएशन कम होती है क्योंकि सोसाइटीज सिंपल होती हैं तो सोसाइटीज की जो सॉलिडारिटी होगी वो लाइकनेस पे बेस्ड होगी ये कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन होगी ऑर्गेनिक इन सोसाइटीज में मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में डिवीजन ऑफ फंक्शन जो है या डिवीजन ऑफ लेबर कह लो वो सिंपल है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अगेन वो मोबाइल वाली एग्जाम्पल ठीक है रिफॉर्मेटिव लॉस है, है, होते हैं रिप्रेसिव लॉज क्या हुए अब देखो इन सोसाइटीज में क्या होता है अगर कोई क्रिमिनल है किसी ने कोई गलत काम किया फाइन तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा तो पर्पज क्या होगा कि जो क्रिमिनल है आपको क्राइम को भी स्टॉप करना है और क्रिमिनल को भी स्टॉप करना है चाहे फिर आप जैसे पंचायत में ऐसी रूलिंग दे दो कि उसको यहाँ से निकाल दो या उसको फांसी दे दो ठीक है ऐसे काइंड ऑफ रूलिंग्स जो होती है आपको रिप्रेस करने के लिए आती हैं रिप्रेस करने के लिए आती हैं लेकिन यहाँ पे रिफॉर्मेटिव होते हैं जैसे मॉडर्न जेल्स में क्या होता है मॉडर्न जेल्स में आपको कोई काम दिया जाता है कार्पेंट्री का, का काम कर रहे होते हैं जो कैदी होते हैं या कुछ पत्थर तोड़ रहे होते हैं पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा एंड इनफैक्ट आप वहां पे कुछ पैसे भी मनी भी कमाते हो ठीक है तो आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप रिफॉर्म हो पाओ और वहां से जब आप निकलो आप एक बेटर इंडिविजुअल होके निकलो इसका मतलब होता है लॉज जो होते हैं वो रिफॉर्मेटिव होते हैं और इसमें रिप्रेसिव रिप्रेसिव या इनको रेस्टिट्यूटिव भी बोला जाता है जो बिल्कुल आपको किस लिए बनाए जाते हैं आपको खत्म करने के लिए ताकि जो बाकी लोग हैं वो कन्फर्म कर पाए टू तो द विल ऑफ कम्युनिटी ये देख के कि रिप्रेसिव आप कैसे रिप्रेस हो रहे हो ठीक है जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है इज प्रीवेलेंट इन दी एंटायर सोसाइटी और जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है इज देयर अमंग पर्टिकुलर ग्रुप्स विच आर इंटरडिपेंडेंट ये एंटायर सोसाइटी का प्रोसेस है और ये उस पर्टिकुलर ग्रुप्स का है अलग अलग ग्रुप्स का जैसे एक ग्रुप एक जगह काम कर रहा है एक जो एक ग्रुप एक जगह काम कर रहा है तो वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है ठीक है ये हो गया मैकेनिकल ऑर्गेनिक अब देखते हैं डिविजन ऑफ लेबर जो है डोल नीड्स फुलफिल कर रहा है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के भी और इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी के भी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ऑटोनॉमी कैसे होगी क्योंकि स्पेशलाइजेशन काफी इंक्रीज हो गई इन सोसाइटीज में जब स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है दैट मीनस आपका आपके पास काम भी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के आपके चांसेस ज्यादा हो गए तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी जो आहिस्ा आहिस्ता बढ़ रही है इन्होंने थ्री, इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर का नेगेटिव भी दिया था एबनॉमल फॉर्म भी ले लेता है डिवीज़न ऑफ लेबर वो कब लेता है वो तीन टाइप्स के होते हैं इकनॉमिक अनोमिक सॉरी कोऑर्डिनेटेड एंड फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर अनोमी को इन्होंने कहा था एक सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस लॉलेसनेस वाली सोसाइटी आपकी रेगुलेशन बहुत कम हो रही है आपको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है आप सोचो ऐसी आ गई आप जो कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज में आप काम कर रहे हो ठीक है किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और वहां पे अनचेक्ड प्रॉफिट के पीछे लोग भाग रहे हैं अनचेक्ड वर्क वहां पे हो रहा है कोई रेगुलेशन नहीं है एक इनॉमी वाली सिचुएशन आ गई ठीक है और वहां पे क्या होगा जहां पे इतना ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो अनचेक्ड काम है कोई रेगुलेशन नहीं है तो अनचे डिविजन ऑफ लेबर होगा डिविजन ऑफ लेबर भी उसी लेवल का जाएगा तो उसको इन्होंने कहा था एनॉमिक फॉर्म ले लेता है एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर कोई कोर्डिनेटेड जिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है वहां का डिविजन ऑफ लेबर फोर्स डिविजन ऑफ लेबर होता है ऑल द स्पेशलाइजेशन है बट यू आर बीइंग फोर्स टू डू सम अदर वर्क जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो और आपको फोर्स किया जा रहा है वहां पे आप, आप को ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इंटरेस्ट खत्म हो रही है उसको इन्होंने कहा था फोर्स डिविजन ऑफ लेबर इन्होंने हमें ली सुसाइड में लि सुसाइड में थियरी ऑफ सुसाइड भी दिया था देखो सुसाइड आपको ये फंक्शनलिस्ट थे तो इन्होंने और मैक्रो माइक्रोथियरिस्ट थे तो इन्होंने सोसाइटी को एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस हमेशा रखा था इन्होंने कहा था सोसाइ जो सुसाइड है वो एक सोशोलॉजिकल फिनमिना है तो उन्होंने इसको सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी थी सुसाइड की और निगेट किया था इसको समझना एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन अदरवाइज जहां भी सुसाइड की बात आएगी सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था पर ये चीजें इन्हों इन्होंने निगेट की नहीं इंडिविजुअल क्या सोचता है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इसको एक सोशोलॉजिकल फिनोमेना करके ट्रीट करना होगा और सुसाइड को एक सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमारे सामने रखी थी तो इन्होंने ऐसी बातें करी थी उसमें कि ऐसे अपने रिसर्च के बाद ऐसे पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए थे कि सुसाइड जो है वो बैचलर्स में ज्यादा होता है बैचलर्स में हाई है ठीक है प्रोटेस्टेंट्स अगर रिलीजन पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रोटेस्टेंट्स जो है वो ज्यादा सुसाइड करते हैं कैथोलिक से वो क्यों क्योंकि प्रोटेस्टेंट आपको पता है वो ज्यादा फ्रीडम पे बिलीव करते हैं और कैथोलिक ज्यादा चर्च ओरिएंटेड हैं

हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट कोई चीज का कॉज हुआ और कोई चीज का इफेक्ट हुआ जब एक चीज का जब किसी एक इवेंट का कॉज एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे जैसे सुसाइड अगर सुसाइड में फॉर एग्जांपल ये जेंडर देखें फैमिली भी देखें मैरिटल स्टेटस देखें रिलिजन देखें स और इफेक्ट क्या है इन चीजों का, suicide. That means, suicide का cause इन्होंने एक से ज्यादा वेरिएबल से रिलेट किया इसको हम बोलते हैं मल्टीवेरियड एनालिस जो इन्होंने प्रेजेंट किया था फोर टाइप्स ऑफ सुड इन्होंने दिए थे ऑल्ट्रिस्टिक इगोइस्टिक एंड एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक ठीक है ऑल्ट्रिस्टिक एंड इगोस्टिक से होते हैं जो आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड होते हैं और ये एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक आपके रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड होता है जब आपकी ओवर इंटीग्रेशन होती है आप इतनी ज्यादा सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हो कि आप सुसाइड कर सकते हो इसमें फॉर एग्जाम्पल सती कि वो इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड थी सोसाइटीज की अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रही है वो पति के साथ ही जल जाए पति के मरने के बाद तो वो ऐसा करती थी वो इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड थी सोसाइटी से इगोइस्टिक सुसाइड है जब आप सोसाइटी से या सोशल सिस्टम से या अपनी फैमिली से लेस इंटीग्रेटेड हो फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं हो गए और किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली वो टाइप ऑफ सुसाइड हो गया इगोइस्टिक सुसाइड रेगुलेशन अगेन अंडर रेगुलेशन की वजह से सोचो so, रिसेशन चल रहा है और कोई रेगुलेशन नहीं है सोसाइटी में कोई रूल रूल्स लॉज सोसाइटी में नहीं चल रहे हैं तो उस वजह से जो सुसाइड करेगा वो एनोमिक सुसाइड होगा फेटलिस्टिक सुसाइड होगा ओवर रेगुलेशन वाला फॉर एग्जाम्पल आप इतना ज्यादा रेगुलेट कर रहे हो अगर आप स्लेव्स स्लेवरी सिस्टम देखो जो स्लेव सुसाइड करेंगे इस वजह से कि इतना ज्यादा उनको रेगुलेट किया जा रहा है कि उनकी कोई अपनी फ्रीडम नहीं रही है जो वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे उसको हम फैटलिस्टिक सुसाइड बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलीजन भी इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसमें इन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन यूज की थी ठीक है तो थ्योरी ऑफ रिलीजन का इनका क्या था बेसिकली रिलीजन को इन्होंने कहा था यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट इज टू से थिंग्स सेट इमार्टेंट फॉर विडन जिसको इन्होंने कहा था सीक्रेट थिंग्स ठीक है देखो अब रिलिजन की थ्योरी में क्या कहा था आपको याद रखना होगा क्रिएट तो कि किया है रिलीजन उसके लिए ओरेंटा ट्राइब वो ऑस्ट्रेलियन एबोरजीन थी ठीक है इस सोसाइटी में कहा था जब कोई फंक्शन फा, या कोई फेस्टिवल होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं गैदरिंग्स हो जाती है उस गैदरिंग में सब लोगों को मजा आता है एक अच्छा फीलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है हाइटेंड फीलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको इन्होंने कलेक्टिव एफरवि और स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन बोला था कि इस स्टेट में आप आ जाते हो आपको काफी मजा आता है एक सॉलिडरिटी वाली फीलिंग आती है तो जैसे ही अब लोग अलग हो जाते हैं सेपरेट होते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं वो जो फीलिंग है वो डिस्पर्स हो जाती है वो गायब हो जाती है ठीक है लेकिन लोगों को चाहिए कि वो एक फीलिंग जो है वो कंटिन्यू रखे उस फीलिंग को उस फीलिंग को कंटिन्यू रखने के लिए वो अपना एक सिंबल बनाते हैं जिसको इन्होंने कहा था टोटम टोटेम बेसिकली आपका कोई आइडियल आपका आइडियल नहीं सॉरी कोई आइडियल जिसको आप कोई प्लांट एनिमल लीव कुछ भी कोई मिस्टिकल ऑब्जेक्ट उसको आपने टोटम बनाया अपना ठीक है बाद में आप क्या करते हो अब आप उस टोटेम की वर्शिप सारे इकट्ठे कर रहे हो तो जो फीलिंग आपको गैदरिंग से मिलती थी कलेक्टिव एफरवि जिसको बोलते हैं अब वो फीलिंग आपको मिलती जब आप टोटम को वर्शिप करना शुरू करते हो क्योंकि ये टोटेम आपके क्लैन से रिलेटेड है एक सारा क्लैन बिलोंग करता है एक टोटम को मतलब वो कहते हैं कि हम ये हमारे एनसेस्टर्स हैं ठीक है वो एक मिथिकल एनसेस्टर बना लेते हैं अपना वो एक क्लैन मिथिकल एनसेस्टर तो वो फीलिंग जो होती है वो सॉलिडारिटी यूनिटी वाली फीलिंग अब वो उस टोटम से डिराइव करते हैं लोग तो ऐसे करके सोसाइटी ने खुद अपना रिलीजन क्रिएट किया ताकि वो उस फीलिंग में रहें हमेशा जुड़े रहे और एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक का नाम है जिन्हों जिसमें इन्होंने इस सारी चीजों को डिस्कस किया है तो सीक्रेड एंड प्रोफेन इनके रिलीजन से रिलेटेड है सीक्रेड वही चीजें जो मैंने आपको बोली जो सेट अपार्ट एंड केपट फॉरवर्ड और जो सीक्रेड नहीं हुई जैसे आपकी डेली एक्टिविटीज में जो आप काम कर रहे हो जैसे मैं वीडियो अभी बना रही हूँ ये प्रोफेन

कॉन्सेप्ट ऑफ ये भी दुर्खेम से रिलेटेड है इसका मतलब हुआ कि आपका जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो कहाँ से आता है ग्रुप बिहेवियर से मीन्स आप सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में आप उसको तोड़ नहीं सकते सोसाइटी को जो आपका ग्रुप बिहेवियर है वो ही डिपेक्ट करेगा आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर और ये टाइप्स ऑफ सोसाइटीज इन्होंने दिए थे सिंपल सिंपल पॉलिसगमेंटेड पॉलिसेगमेंटल सिंपली कंपाउंडेड कंपाउंडेड टाइप्स ऑफ सोसाइटीज इन्होंने ज्यादा फोकस किया था क्वांटिटेटिव डेटा एंड इंडक्टिव मेथड पे क्योंकि ये एक फंक्शनलिस्ट थे पॉजिटिव तो क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते थे वो डेटा जिसको आप मेजर कर सको और आपका दूसरे साइड से कौन सा डेटा आता है क्वालिटेटिव डेटा जो मेजर आप नहीं कर सकते हो फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च कर रहे हो उस चीज को समझने के लिए किसी भी इवेंट फिनोमेना को आप फीलिंग्स इंसान के पीछे मोट एक्शन के पीछे के मोटिव्स जिनको आप मेजर नहीं कर पाओ उन चीजों पर ध्यान दो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोल रहे हैं जो मेजरेबल डेटा हुआ कितने अमाउंट ऑफ लोगों ने किया है कितने परसेंट लोगों ने वो क्वांटिटेटिव डेटा हुआ इंडक्टिव हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड होता है जब आपके पास फैक्ट्स कॉन्सेप्ट हैं और उनसे आप कोई थ्योरी बना रहे हो और डिडक्टिव मेथड होता है आपके पास एक थ्योरी प्रेजेंट है और उस थ्योरी से आप कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो ये आपका जनरल टू पर्टिकुलर हो गया डिडक्टिव आप डिड्यूस कर रहे हो कुछ और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आप थ्योरी बना रहे हो दैट मीन्स पर्टिक्युलर टू जनरल आपका क्या आ जाता है इंडक्टिव मैथड तो ये दो मैथड जो है इन्होंने फ्रीकेंटली इसको यूज करते थे एंड सुड के लिए इन्होंने सेकेंडरी डेटा लिया था डेटा आपका प्राइमरी हो सकता है जो आपका फर्स्ट हैंड डेटा है खुद फील्ड में जाओ डायरी पे नोट करो आप क्या देख रहे हो वो आपका प्राइमरी डेटा हुआ सेकेंडरी हुआ किसी ऑलरेडी डेटा बना हुआ से आप अपना डेटा लेते हो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट गेजेट गैजेट में कुछ पब्लिश हुआ है वहां से अपना डेटा ले रहे हो तो सुसाइड की थ्योरी के लिए इन्होंने स्पेशली सेकेंडरी डेटा यूज किया था जो इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से जाके सुसाइड रेट्स वगैरह वहां से वो डिटेल्स ली थी तो ये हो गया एक रैपिड रिविजन उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं अब इनका हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से थे मॉन्टेस्क एंड रेस्यू ने इस ईयर में लिखा था ईयर तो आप ये चाहे तो याद रख सकते हो क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पर फिर आपको कितने इर्स कितनी बुक्स के याद रहेंगे वो आपका कॉल होगा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड एक और बुक है न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल गेस गिडन्स ने लिखी है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना हम आगे देखेंगे डिविजन ऑफ लेबर ल्यू सुसाइड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पेटेग्रॉकल एवोल्यूशन इन फ्रांस जो पब्लिश हुई थी उनके मरने के बाद 1938 में ठीक है तो दिस कम्प्लीट्सम तो डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जब तक मैं नया वीडियो लेके आती हूँ तब तो तक अपना ख्याल रखें टेक केयर हैव ए ग्रेट डे